एक के बाद एक शराब की टूटती बोतलों की ये तस्वीर केदारनाथ यात्रा की आड़ में चल रही शराब तस्करी का जीता जागता सबूत है। शराब की बोतलें जमीन पर पटक रहे ये लोग रुद्रप्रयाग के व्यापारी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हैं। चारधाम यात्रा में मांसाहार और शराब विरोधी अभियान चला रहे इन लोगों को शिकायत मिली कि यात्रा रूट के पड़ाव पर अवैध तरीके से शराब पहुंचाई जा रही है। इसी के बाद पुलिस के साथ मिलकर हिंदू संगठन और व्यापार संघ के कार्यकर्ताओं ने नेपाली मूल के कुछ लोगों को पकड़ा तो शराब की इतनी बड़ी खेप सामने आई। पुलिस प्रशासन के संयुक्त अभियान में हमने कुछ खच्चर वालों को पकड़ा जिसमें गिनती के तीन खच्चरों में शराब की बोतलें लोड होकर केदारनाथ की तरफ जा रही थी। सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए केदार क्षेत्र में धड़ल्ले से मांस की सप्लाई हो रही है, लेकिन स्थानीय लोगों ने अब ऐसे लोगों की धरपकड़ तेज कर दी। हमने इसे बार बार मना करने के बाद यहाँ पे कम से कम 5-7 बुचर थे, हमने उन्हें मना भी किया कि मत आना, कोई नहीं आ रहा था, लेकिन आज ये जबरदस्ती पता नहीं कहाँ से चंद्रापुरी से या कहाँ से मुर्गे कुछ काट के लेके आए हैं और कुछ मुर्गे इसने यहाँ रखे भी है जबकि हमारा पर्व नवरात्रे चल भी रहे हैं। केदारनाथ रूट पर लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बाद अब स्थानीय लोग मांस और शराब की बिक्री पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल पुलिस की भूमिका को लेकर उठ रहे हैं क्योंकि यात्रा मार्ग पर कई पुलिस थाने और चौकियां पड़ती हैं। इसके बाद भी शराब और मांस की खुलेआम सप्लाई आखिर कैसे हो रही है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।